ये देखिए टर्निंग इतना स्टीप है, अगर आगे से गाड़ी भी आए उसके ऊपर ये धूप। ये सनसेट का व्यू, वाओ, जस्ट वाओ। इधर मॉल पे ड्राइव मत करना, नहीं तो पुलिस फाइन कर देगा। होगा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MnT Talk एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। आज है अपना नॉर्थ बंगाल ट्रिप का डे 2 और अभी बज रहा है 11:35। हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, बहुत लेट हो गया क्योंकि कल इतना टायर्ड था ना, 17 घंटा बाइक चला के बहुत टायर्ड था, इसीलिए 10 बजे उठा। अभी नहा के धो के सब रेडी हो गया, अब चलेंगे नीचे दोस्त लोगों के साथ मीट करेंगे, फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अपना आज का डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग। व्यू देखना बॉस, व्यू आज मिलेगा बहुत ही तगड़ा। करिश्मा रेडी हो रही है, हेलो कह दो हाय। वो एकदम रेडी हो चुकी है। यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है अपना। दार्जिलिंग वाला राइड स्टार्ट होता है फाइनली सिलीगुड़ी से। आज हम लोग दार्जिलिंग के मेन सिटी में रहेंगे। अपना पेट्रोल फिलअप हो गया है, फुल टैंक, और एयर प्रेशर भी चेक कर लिया। 7.59 लीटर पेट्रोल आया फुल टैंक करने के लिए। सिलीगुड़ी के मेन सिटी से 10 किलोमीटर आगे हम लोग हैं अभी, और ये मिरिक की तरफ है। आप लोग राइट साइड में टी गार्डन देख सकते हो। बहुत दूर पहाड़ दिख रहे हैं, बट बहुत फॉग है, गोप्रो पे आपको नहीं दिखेगा। बट वो पहाड़ देख के ना दिल में बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा है अब। ओ माय गॉड भाई, पहाड़, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। पता नहीं गोप्रो पे कैसा आ रहा है, बट सामने जो रियल व्यू मैं देख रहा हूँ ना, दिल को आए हाय, दिल को सुकून। वेलकम टू दार्जिलिंग टोल प्लाजा रोहिणी। माय गुडनेस, ब्यूटी ब्यूटी। पहले सोचे थे सिलीगुड़ी पे ब्रेकफास्ट करेंगे, बट सबने डिसाइड किया दार्जिलिंग इतना पास है तो सिलीगुड़ी पे क्यों ब्रेकफास्ट करें। एंटर करते ही यहाँ पे रिवर साइड रिट्रीट करके एक स्टॉप है, यहाँ पे हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। अपना रेस्टोरेंट और इसके ठीक बगल में ये देखिए रिवर, और वहाँ पे भी आप नीचे जाके भी बैठ सकते हो, वहाँ पे भी जगह है बैठने का। क्या बेहतरीन रेस्टोरेंट है भाई। तो राम वो तो अपना फुली व्लॉग बनाते हुए बहुत मज़ा कर रही है। 3 बज गए अपना दिन का पहला खाना खाते खाते। अपना जो ट्रिप B है उसको मैंने रीसेट कर लिया है, क्योंकि पहाड़ में कितना माइलेज देता है वो मुझे चेक करना है। इसके बाद ट्रिप A अपना सिमिलर है जैसे निकले थे। बाप रे, दार्जिलिंग का यही एक चीज़ है, बहुत ही स्टीप टर्निंग है। और देख रहे हो आप लोग इंक्लिनेशन, देख रहे हो कितना बड़ा है। पूरा दार्जिलिंग ही ऐसा है, बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड गियर पे ही। अपना जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो कुर्सियोंग व्यू पॉइंट का स्टॉप होगा। दार्जिलिंग का जो रास्ता है वो अलग ही लेवल का है। देखिए आप लोग कैसा, एक बहुत ही स्टीप छोटा सा एक टर्न है, कितना ये देखिए इंक्लिनेशन, देखिए भाई बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रोड है। हम लोग कुर्सियोंग पे एंटर कर चुके हैं, और एज आई सेड कुर्सियोंग व्यू पॉइंट अपना नेक्स्ट टारगेट है। कुर्सियोंग व्यू पॉइंट के बाद हम लोग अपना जो आज का स्टे है उसके लिए रवाना होंगे, जो कि है दार्जिलिंग टाउन पे। ऐसा चौड़ा रोड हुआ, टर्निंग रेडियस ज़्यादा हुआ, आप इजीली टर्न कर सकते हो, रुक जा सकते हो, बट स्मॉल रेडियस पे टर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसा कि ये वाला एकदम ही इजी है टर्न करना, क्योंकि टर्निंग रेडियस भी अच्छा है और इंक्लिनेशन भी उतना ज़्यादा नहीं था पिछली 2 बार की तरह। यही एक चीज़ है। और एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, मेरा जो पैर है वो ये देखिए टर्निंग रेडियस देखिए अच्छा है, लेकिन इंक्लिनेशन ज़्यादा है। एक घर कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो अपने लेफ्ट में नज़ारे कितना ऊपर उठ गए ना हम लोग। इसका एक ही रीज़न है, बहुत ही इंक्लाइन रोड है। ज़्यादा हम लोग 15 मिनट्स राइड किए हैं, बट इतना ऊपर है, कान एकदम पटपट कर रहा है मेरा। देखो यार कान बंद हो रहा है, खुल रहा है, क्या ही हो रहा है आज। ये वाले टर्न में इतना धूप है, बहुत दिक्कत दे रहा है। भाई 9 किलोमीटर राइड हो गया अपना ऑलरेडी, और हम लोग शायद कर्शियंग व्यू पॉइंट में आ गए हैं। ये क्या व्यू पॉइंट है क्या? अपना गाड़ी का पावर लग रहा है हाफ हो गया। ये अपना पार्किंग एरिया छोटा सा, और ये रहा व्यू। कार्शियंग व्यू पॉइंट पर बहुत टाइम लगा है यार, फोटोज़ वीडियोज़ ये सब करते करते बहुत टाइम ले लिया। बट हाँ, फ़ोटोज़ वीडियोज़ रील्स ये सब अच्छे आए करिश्मा की। आप लोग उसका इंस्टा प्रोफाइल फॉलो करो तो देख सकते हो क्या क्या फ़ोटोज़ एंड रील्स है। इधर का व्यू देखो, सामने का व्यू मस्त। बहुत टाइम लगेगा अभी यार, अभी तो 9.5 किलोमीटर ही हम लोग चले हैं। बट आई थिंक दार्जिलिंग 60 किलोमीटर था जहाँ पे हम लोग स्टे किए थे कल, वहाँ से तो अभी तक 40 किलोमीटर मिनिमम बाकी है। पहाड़ों के गोद में इतना बढ़िया तरीके से ये लोग घर बनाए हैं, अप्रिशिएटेबल। क्या रिस्क के साथ बनाए होंगे यार। इंसान अगर चाहे क्या नहीं कर सकता है, लेकिन ये स्टीप जो ये देखिए टर्निंग इतना स्टीप है, अगर आगे से गाड़ी भी आए उसके ऊपर ये धूप, भाई साहब ऐसा कॉम्बिनेशन खतरनाक है। ये धूप से मुझे आगे का गाड़ी ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है। बाप रे बाप बहुत धूप है यार, बहुत धूप है। आँख एकदम छोटा छोटा करके देखना पड़ रहा है। देख रहे हो क्या राइड है। और ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग आ रहा हूँ, इतने स्टीप जो रोड है वो कवर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है अंदर अंदर कि नहीं, ठीक ठाक धीरे धीरे चलना है हमें, ताकि दोनों सेफ सही सलामत पहुंच जाए। और एक चीज़ क्या प्रॉब्लम पता है, मेरा जो पैर है ना इतना दर्द दे रहा है। मैं जैसे रेगुलर गियर शिफ्टिंग होता है वैसे कर नहीं पा रहा हूँ, अपना जो हील है उससे गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो सोचो क्या मुझे क्या तकलीफ़ हो रहा है। हाँ, तकलीफ़ के आगे ये जो व्यू है, ये जो एक्साइटमेंट है राइड का, ये बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इसीलिए जो एंथू है वो मिल रहा है मुझे। एपी व्लॉग जाते हुए आगे अपना इंस्टा 360 ऑन करते, रील बहुत ज़्यादा बनाएंगे इस बार। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी गियर में चल रहा हूँ मैं, इसके ऊपर ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो तो सेकंड गियर, और उससे भी ज़्यादा इंक्लाइन हो तो कोई रिस्क नहीं फर्स्ट गियर। बट यार ये धूप इतना दर्द दे रहा है मेरे आँखों को। यहाँ पे पुलिस ने रोक लिया, क्या चेक करेंगे देखते हैं। हम लोगों का चेकिंग नहीं किया क्योंकि उन लोगों को पता है बाहर से जब हम गाड़ी लेके आते हैं तो सब गाड़ी का कागज़ है, सब सही करके ही निकलते हैं। दार्जिलिंग 33 किलोमीटर। और यहाँ पे है ना, ये देखिए टॉय ट्रेन का लाइन है साइड पे। जब टॉय ट्रेन पास करेगी सब तो रोक के देखना ही है। धोबी कोला पे एक पेट्रोल पंप भी है विच इज़ गुड। ये रहा कार्शियन स्टेशन, 4864 फीट ऊपर है ये। और यहाँ से ही टॉय ट्रेन आपको पकड़ना होगा अगर आप टॉय ट्रेन लेना चाहो तो। और एक पेट्रोल पंप है, दो पेट्रोल पंप है यहाँ पे। वो पाइन फॉरेस्ट। और घर भी कितने सुंदर सुंदर घर हैं यहाँ पे। वो मिस्टिक, मेस्मराइजिंग मिस्टिक व्यू। एक चीज़ है जो फ़िलहाल रियलाइज़ कर रहा हूँ, कार्शियंग जो स्टेशन आप लोगों ने देखा, उस तक जो टर्न्स एंड ट्विस्ट आप लोगों ने देखा बहुत स्टीप राइड था उसमें। बट यहाँ पे जो टर्न एंड ट्विस्ट है ना, उतना स्टीप राइड नहीं है, उतना इंक्लाइंड जो रोड है उतना नहीं है। जो राइड जब स्टार्ट किया था उसके मुकाबले देखिए घर, देखिए क्या सुंदर सुंदर घर है। जो मैं बोल रहा था टॉय ट्रेन का ना टाइम होता है, दिन में 5 या 6 बार या 4 बार ऐसा कुछ चलता है। घर देखिए क्या सुंदर घर है। देखो यहाँ से भी आ रहा है ना मिस्टिक वाइब, ऐसे 2-3 जगह से मिस्टिक वाइब आ रहा था मुझे, जगह ही ऐसा है। अब लग रहा है सर्दी। दार्जिलिंग अभी भी 16 किलोमीटर दूर है। अंधेरा तो हो जाएगा भाई पहुँचते पहुँचते, वही हम लोग अवॉइड करने का ट्राई कर रहे थे बट हो नहीं पाया। यार अचानक सर्दी इतना ज़्यादा हो गया, ये तो विंटर ग्लव्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रहा है उंगली पे। और एक चीज़ है, ये जो पाइन ट्री है ना, इसका जो पत्ते है वो इतना डेंस्ड है, मुझे लग रहा है कि भालू का जो शरीर होता है ना, जो फार होता है भालू का, वैसा लग रहा है। यार सनसेट देख के मैं रुक गया। सनसेट देखो यार यहाँ का सनसेट देखो भाई। अमेजिंग। फ़ोन से दिखाता हूँ आप लोगों को, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो आप लोग यार व्यू देखो, ये सनसेट का व्यू क्या व्यू है यार। वो दूर यहाँ पे देखो पहाड़ का व्यू। पेंटिंग ही तो नहीं, एकदम पेंटिंग की तरह। ये जो नज़ारा है रोज़ रोज़ देखने को तो नहीं मिलता है ना, तो इसीलिए बहुत टाइम लेके हम लोग पूरा सनसेट देखे और अभी जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। दोस्त लोग निकल चुके हैं बट मैं इसको, इस नज़ारे को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए रुक गया। बहुत बढ़िया, चलिए अभी अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए, ये मैं बोल रहा था, देखिए पाइन ट्री है ना, इसका जो लीव्स होते हैं बहुत डेंस होता है, ये भालू की तरह दिखता है मुझे। हम लोगों के लिए ये लोग सुट्टा ब्रेक लिए थे ताकि हम कैचअप कर पाऊँ, तो कैचअप कर लिए। अभी 16 किलोमीटर और भी जाना है। ये क्या है? मोनेस्ट्री होगा कोई। भाई सर्दी में मेरा हाथ जम रहा है, जी में आ रहा है कि इंजन पे हाथ डाल दो। बहुत ज़्यादा सर्दी है, जितना ऊपर जा रहा उतना सर्दी है। और धीरे धीरे तो फॉग भी अब स्टार्ट होगा। अभी ये देखिए पाइन फॉरेस्ट जो है, भालू ही भालू। पाइन ट्री है, पेड़ों का भालू। अब धीरे धीरे चल रहा होगा। सूरज ढल चुका है, लाइट भी एकदम अंधेरा होने को है। और पाइन ट्री वाला जंगल तो बेस्ट है, बेस्ट। बाप रे, ये क्या है? देखने में जितना बढ़िया लगता है, जो भी लाइट बचा है उस लाइट में पहाड़ों का जो चोटी दिख रहा है वो देखने में भी बढ़िया लग रहा है। ऐसा व्यू रोज़ तो देखने को नहीं मिलता है ना, इसीलिए इतना मेस्मराइज्ड हो रहा हूँ मैं बार बार। एक ही व्यू है बट अलग अलग एंगल से देख रहा हूँ तो नया नया लग रहा है। अंधेरा ऑलमोस्ट होने को है, 5:30 हो रहा है अभी। कल तो 5:30 होते हो तो अंधेरा हो गया था। वाओ वाओ वाओ, जस्ट वाओ। अरे गाड़ी सामने आ गया। ये बस से मुझे डर है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से वो ड्राइव करते हैं बट इतना अनबिलीवेबल ड्राइवर होता है, देख के डर लगता है कि अरे ये कैसे ये निकाल दिया, यहाँ से कैसे ये चला रहा है, इतना स्किल कैसे रहता है इनमें। भाई हाथ ना मेरा एकदम जम चुका है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है अभी। लग रहा है कि कोई सुई चुभा रहा है उंगलियों में मेरे, इतना ठंडा है, इतना ठंडा है यहाँ पे। यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, घना जंगल है यहाँ पे, इसीलिए अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है। बट यार मज़ा तो है, सभी राइड में मज़ा है। इसी रोड पे अगर मैं दिन पे चलाता एक अलग मज़ा है, रात पे चला रहा हूँ तो दूसरा अलग एक मज़ा है, एक एडवेंचरस मज़ा यहाँ पे है। जैसे कल था फॉग पे जो राइड हुआ, अपना लाइफ में इतने फॉग में कभी भी राइड नहीं किया। मैं राइड कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, उतना फॉगी एरिया में मैंने कभी भी राइड नहीं किया था। चढ़ाई है यहाँ पे, भयंकर चढ़ाई है यहाँ पे भाई। और ये वाला रास्ता टूटा फूटा भी है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा था। एक बार राइट साइड में देखा नीचे तो डर लगने लगा। बाप रे बाप, कैसा बढ़िया व्यू है भाई। लेफ्ट से चलते हैं क्योंकि राइट पे पूरा खाई है। भाई क्लच दबा नहीं पा रहा हूँ, इतना दर्द हो रहा है हाथ में। और इतना स्टीप सब टर्न है अभी, फिर से ऊपर से ये अंधेरा है। तो डेंजरस राइड भाई, ज़्यादा स्लोप है यहाँ पे। इंजन ब्रेक से ही काम चलाना पड़ रहा है। आ रहा है। यहाँ पे साइड देते हैं। क्लच दबाने में इतना दिक्कत हो रहा है, इतना सर्दी है यहाँ पे। और रास्ता देखो भाई, अल्टीमेट एडवेंचर हो गया भाई। गड्ढा, बाप रे बाप। क्या भयंकर है, भयंकर। इन लोगों का एक एडवांटेज है, इन लोगों के साथ कोई पिलियन नहीं है, छोटा एक बैग है। अपना एड्रेनलिन रश फिर से हो चुका है, पीक लेवल पे जा चुका है। हम लोग दार्जिलिंग रीच कर चुके हैं और ये दार्जिलिंग का मार्केट है। इधर मॉल पे ड्राइव मत करना, नहीं तो पुलिस फाइन कर देगा। सामने पुलिस पकड़ रहे हैं। ये तो गंदा हुआ, पंगा हुआ। मेरा पैर में दर्द है और ऐसे जाना पड़ेगा अभी। अगर पता होता तो इस तरफ नहीं आते। अरे अपने ही ग्रुप के बंदे लोगों को पकड़ लिया। पुश करके ले जाना पड़ेगा भाई साहब। हालत ख़राब है मेरा, अब धक्का मार के ले जाना पड़ रहा है। एकदम ही ठीक नहीं है। फालतू इस रोड पे आए हम लोग। एक्चुअली ये सही भी है, मॉल मार्केट पे अगर आप व्हीकल लेके जाओगे धक्का लग सकता है लोगों को। बहुत बहुत कष्ट हुआ। फाइनली हम अपने होटल पे पहुंच चुके हैं, होटल हाईलैंडर्स इन। बहुत ही बढ़िया होटल है। ये देखिए लाइन से सब खड़े हैं। स्लोप बहुत ज़्यादा है बट प्रॉब्लम नहीं है, सब गियर में खड़े हैं। और जो मेन अट्रैक्शन है मैं जाके दिखाता हूँ। अभी पता नहीं रूम का व्यू कैसा है बट होटल से निकलते ही जो व्यू है वो दिखाते हैं। पहले लग रहा है कि आसमान ऊपर से नीचे आ गया है। हाईलैंडर्स इन, अपना एंट्री यहाँ से। रिसेप्शन 202, ये रहा अपना रूम। वाव बढ़िया रूम है। अपने रूम का व्यू मैं दिखाता हूँ। ये जो विंडो है, अभी तो अंधेरा दिख रहा है बट ये देखो, ये है पूरा व्यू। कल देखेंगे मॉर्निंग को कैसा होता है व्यू। बहुत मजा आएगा। यो रूम टूर तो हो गया। अभी हम लोग जाएंगे मॉल मार्केट। वर्ड आता है सिर्फ ये रहा दार्जिलिंग का फेमस मॉल मार्केट। भाई हम लोग होटल में फिर से रिटर्न कर चुके हैं। आज का ये व्लॉग सिलीगुड़ी दार्जिलिंग ये यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो राइड था दार्जिलिंग पहुंचने का, जो फर्स्ट आई थिंक 10 to 15 किलोमीटर बहुत टफ था, इसीलिए वीडियो को लाइक करो आप लोग। बाय बाय, वंदे मातरम। नेक्स्ट व्लॉग।